सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज है प्रतीक का बर्थडे और अभी हम लोग सब 12:10 है, तो अभी सब हम लोग ऊपर जाएंगे, केक कटेगा, केक नहीं कटेगा बट हाँ विश करेंगे। सब सोच लो अपने बेटे के लिए कुछ, क्या कहोगे उसको, क्या विशेष दोगी आप, सोच लो। हाँ प्रतीक शर्ट चेंज करके इसको पता है हम लोग आ रहे हैं, चेंज कर लिया। मैंने कैमरा चेक कर लिया, क्यों देगा तुम्हें कैमरा, नीचे पेस्ट्री लगा रही है, खुली बस चला देंगे। अच्छा बता, खुली तो हो जाएगा, फूल हो जाएगा मेरा, फूल हो जाएगा। आज क्या है, आज होने वाला है वो क्या है। जब मुझे प्रतीक सबसे पहली बार मिला था, इसने मुझे अपनी एज झूठ बताई थी, पता है आप लोगों को, इसलिए बताया था कि मैं तुमसे एक साल छोटा हूँ। नहीं सही बोल रही हूँ मैं। और जब मैंने प्रतीक को बोला कि मुझे अपने से बड़े लड़के पसंद है, तब उसने जाके अपनी असली एज बताई है। नहीं सच में, सच में प्रतीक एक्सेप्ट करो, मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है ये चीज हुई है। आप अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहोगे? ये इंटरेस्टिंग है, ले कुछ कहो। अरे पापा चलो, अब इसको गद्दी मिल जाएगी हमारी स्कूल। गद्दी अभी कहाँ, पापा अभी नहीं। हाँ भाई मेरे को प्रेशर फील हो रहा है, पापा अभी नहीं, अभी रुक जाइए, गद्दी में बैठिए कि हम लोग घूमने जाएं। नहीं तभी तो हम कह रहे हैं हमारे को मस्ती करनी है। चलो केक कट करते हैं। एक कैंडल बुझाओ, मेक अ विश। दोनों एकले से। हैप्पी बर्थडे डियर प्रतीक, हैप्पी बर्थडे टू यू। So before moving ahead in the video, I would like to talk about two amazing products. So there are a lot of products in the market who promise to give you a spotless skin, but hardly any product is able to perform up to your expectations. So today I'm going to tell you two amazing products which will give you an absolutely spotless skin. Let me show you guys. So first product is The Dermacos 10% Vitamin C Serum, and we all know Vitamin C helps in resolving concerns such as dullness and giving you bright radiant skin. Also it has niacinamide which treats dullness and spots. When using active ingredients like this, it is very important to use a broad spectrum sunscreen to avoid sun damage. So this is 1% Hyaluronic Sunscreen Aqua Gel. It has the power of SPF 50 PA++++ formulation. It is effective combination of hyaluronic acid, vitamin E. It helps you fight sun damage, also reduce fine lines, wrinkles, making your skin soft like butter. So henna, amazing product guys, you should also give it a try. Also use my coupon code GRACE2023 to avail 20% discount on the products. All the products from Dermaco are fragrance free, so maine iska link description mein de diya hai, aap log ko definitely check out karna chahiye. Go and check it out. Dermaco has empowered 10,000 plus students this year, and the Young Scientist Initiative, every time you buy from them, they link your order to a child they help educate along with Bhumi. Happy birthday, birthday boy! Where are we going? Party shutting? We are going for stay in a hotel. In a resort. Resort kind of hotel. हाँ, resort kind of hotel नहीं होता है, resort ही होता है. अब तो रिजॉर्ट पूरा रिजॉर्ट भी तो नहीं है वो, मी रिजॉर्ट बट रिजॉर्ट ही है, इट्स अ वेरी ह्यूज, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। बाहर जाने का मन था हमें, चलो लखनऊ में ही कुछ एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, ड्यू टू सीजन, ड्यू टू कमिटमेंट्स, ड्यू टू हिज वर्क कमिटमेंट्स। सो यस अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है, बहुत मजे आएंगे। सो गाइस हम लोग आने वाले हैं अपनी जगह पे, सब डेवलपिंग एरिया है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है ऊंची ऊंची। प्रतीक तुम कॉलेज क्यों नहीं बनवाते हो यार लखनऊ में? हाँ चिन्ना बहुत पैसा है मेरे पास, कल कॉलेज बनवाता हूँ, कल ये कल मैं बोलता हूँ, फोन करता हूँ HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जितने बैंक से पैसा मैं भर के रखा हुआ है, स्विस बैंक, सब जगह फोन कर देता हूँ मैं। प्लीज यार कॉलेज लखनऊ नीड्स अ गुड गुड कॉलेज। ये है गाइस ये रिजॉर्ट है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा तो है, क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़ा यार। तो हम लोग आ गए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग चलते हैं करते चलता हूं अपना रूम दिखाते हैं। चलो सो गाइस दिस इज आवर रूम टूर, एंड यहां पे है बैठो खाओ पियो
ऐश करो और कुछ भी नहीं करो. एंड बार भी है, वी हैव अ बार, वी हैव अ बालकनी दैट साइड. छोटी सी बालकनी है हमारे पास और ये वर्क स्टेशन है जिसपे हम लोगों को मेरे को व्लॉग एडिट करना है. हाँ, पूरी लाइफ टाइम ही रहेंगे ना हम लोग. नहीं यार, ठीक है, बट अच्छा है व्हेन यू हैव इट फ्लॉन्टेड. ये वॉशरूम होने वाला है, छोटू सा वॉशरूम है ये. और ये है हमारा मेन बेडरूम गाइस. ये है बहुत ही अच्छा सा रूम, छोटू सा प्यारा सा रूम. ये बालकनी है? बालकनी नहीं है ये. अरे यार, ये व्यू है पूरा बाहर का यार. ठीक है यार, ओके. और ये वॉशरूम है, दूसरा वॉशरूम. अब आया वॉशरूम. ये लीक हो रहा है गाइस. फ्लश को बंद तो करें यार प्लीज. हमारा स्टे एक दिन का बहुत अच्छा होने वाला है गाइस. अब लोग बाहर जाएंगे, भी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या है देखते हैं चल के. प्रतीक, अब फाइनली तुम अग्री करोगे इट्स अ रिसॉर्ट. हां, रिसॉर्ट अच्छा खासा बड़ा रिसॉर्ट है गाइस. यहां पे है सैलून. जाओ धक्का दे दो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट तुम्हारा. बहुत गुस्सा, ये दे दो, दे दो, जाओ जाओ. मैं ऐसे नहीं दूंगा, पकड़ के दूंगा. कैफे लाटे विद समोसा, सो लेट्स हैव. गाइस आज पोत्रे बीवी का मन. हां बिल्कुल चलेगा, तुम्हें भी अच्छा लगता है. इट्स नॉट दैट मैं फोर्सफुली खिला रही हूं. सो गाइस, मैं आ गई हूँ थोड़ी बहुत सैलून सर्विसेज लेके. एंड प्रतिज्ञा भी स्पा लेने. एंड मैं जल्दी से अपने आपको एक बहुत ही अच्छी सी कॉफी बनाऊंगी, व्लॉग एडिट करूंगी. एंड देन उसके बाद हम लोग रेडी होंगे बिकॉज अभी सब लोग आने वाले हैं. गाइस आई एम रेडी. मम्मा पापा आ गए हैं बाहर और मैं रेडी हो गई हूँ. चलो चलते हैं बाहर एंड मम्मा पापा से मिलते हैं. हाय गाइस, कैसे हैं? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग द वाओ. मम्मी ने भी वेलवेट पहना है, मैंने भी पहना है और प्रतीक ने भी वेलवेट पहना है. लुकिंग गॉर्जियस. थैंक यू मम्मी, यू टू लुकिंग गॉर्जियस. आल्सो योर ड्रेस, आल्सो योर फुटवेयर. थैंक यू मम्मी. सो यू सेल्फ. ओह थैंक यू. आपकी बहू ना, लघु तो आपकी बहू. वेलकम. हाय, हैप्पी बर्थडे. मेरा नहीं है. हाय गाइस, हाय गाइस, थैंक यू वेलकम. हाय वॉक्सी, बढ़िया. ये अब यही लाइट है. सॉरी, ये भैया है पीछे होटल वाले, इनको बोलो. देख सबने कोऑर्डिनेट किया है, दोनों बहुओं ने और वो ऋषि और वो भी. हाँ वही. बढ़िया, ऋषि भी ग्रीन पहनता है यार. ग्रे पहन लिया तुमने, बताया मुझे. तुम लोग भी मैच कर रहे हो, चलो करा देते इनको भी मैच. सो हम लोग ये गेम खेले जिसमें हम लोग प्रतीक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे सबसे. ओके, तो चलो ऋषि से स्टार्ट करते हैं. तुम्हें प्रतीक के लिए कोई 5 अच्छी तारीफें करनी है. 5 बीबी मैं तो 10 कर दूंगी. 2 बुराइयां करनी है. बुराइयां तो देखो नहीं नहीं नहीं, गेम की ये शर्त है, जो बोल रहे हो करना पड़ेगा. जब तुम बिग बॉस में जाओगे सब बातें होंगी. अभी से तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. जल्दी बताओ. अच्छा, पहले बुरी बातें बता दो. बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा. बहुत लेट करता है यार. नहीं कर रहे चीना के लिए करता है. अच्छा अच्छा, नहीं मेरे लिए. सही बात है, बुलाया था ऋषि के बर्थडे में, सबसे पहले प्रतीक मैं आया था. वो तुम्हारे कहने पे, वो उस पे बहुत डंडा करना पड़ता है. यार तुम इतना ऋषि को सह कैसे लेते हो? ये बुरी बात का है, ये बुराई नहीं है. मेरी अच्छाई हो गई है. चलो अब अच्छाई बताओ. 5 बतानी है. अरे यार सर पूछा रहा है. 5 नहीं, मतलब कि ऐसे तुमने फाउंडेशन लगा दी ना जितनी. चलो जितनी अच्छी लगा दो. नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत एंटरटेनिंग है और बहुत अच्छे से कैरी करता है. बहुत हार्ड वर्किंग है. ओके, और बहुत
ख्याल रखता है तुम्हारा और इतना झेलता है, ये एक अच्छा भी है। अरे वाह, ठीक है, मेरा माइंड में है तो वैसे वैसे मैं बुक लिख सकता हूँ। सच अ क्यूट साला। तो पापा, आपके दामाद के लिए आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको अपने दामाद में ऐसी कौन सी क्वालिटी लगती है जो आप में नहीं है, आप चाहते हो आपके पास वो क्वालिटी होती। चीनो, पापा को फंसा रहे हो बेटा, मम्मी तो खुश होगी, अच्छे बनाए। डैड की बुराई भी हो गई ना? नहीं देखो, कोई परफेक्ट नहीं है, तो ऐसी कोई क्वालिटी होगी जो पापा में ना ना बोले। यार ये सुबह जो 5 बजे क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपके बेटे में ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको लगता है ये मैं बचपन में ये कर सकता था, या हाँ जो भी जो ये ड्रेस वगैरह कैरी करता है, क्या होती है कि हम भी ऐसे कैरी करके तो क्यों हुई ना भैया का तो हमेशा ही अच्छा होता है। नहीं मतलब ये और ज्यादा इनोवेटिव है। गुड। सो मम्मी से क्वेश्चन ये है कि प्रतीक में ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपने उसको कभी बचपन में सिखाई नहीं है, कोई भी अच्छी हैबिट, और वो खुद उसके अंदर आ गई है, मतलब खुद से उसने ये चीज सीखी हो इसके अंदर। गॉड का मैंने कुछ नहीं सिखाया ऐसा। क्या आशीर्वाद रहता हूं? आशीर्वाद। अच्छा, तुमको ढूंढ लाया मम्मी ने, गाइड नहीं करा। अरे यार इसी चुप चुप रहो, तुमको ढूंढ के लाया। तो मम्मी आपसे ये क्वेश्चन है कि जब प्रतीक से मेरी शादी हो रही थी, प्रतीक का फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या था और अब क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहले जब मैंने प्रतीक को देखा तो मैंने कहा ये क्या, इतना पतला सा एकदम सुखड़ा। फिर मैंने चीना से बोला कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो आपको संभाल पाए, कुछ दम होना चाहिए, बिल्डअप होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सब मैंने क्वालिटीज बोली थी। फिर लेकिन मैं रॉन्ग प्रूव हुई, प्रतीक में वो सारी क्वालिटीज है और बिल्डअप भी हो गया। हाँ बिल्डअप। नहीं आपकी बेटी की चॉइस अच्छी है। ओहो, ये मेरा बर्थडे है तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। यू डिजर्व। पति को विश्वास नहीं हो रही है, क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन विद लैम गर्ल। तुम्हारी लाइफ में जितने भी लड़कों से तुम्हारे एक्वेंटेंसेस हुए हैं, हाई हेलोज हुए हैं, या जितने भी लड़कों से तुमने मीटिंग करी है, क्या मेरी तारीफ आने वाली है? अच्छा ओके, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, क्या आज मेरा भी दिन है? तो गिव मी वन क्वालिटी जो तुम्हें प्रतीक में सिर्फ दिखती है और किसी भी आज तक गाय में नहीं दिखी है। अच्छा, और ऐसी कोई एक चीज जो तुमने ऑब्जर्व करी हो प्रतीक में? कि देखो, मेन ऐसे होते हैं कि बेसिकली अपने एंगर को कंट्रोल करने का, मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बट ही विल बी पॉजिटिव इन दैट। तो क्या होता है, बहुत बार नहीं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दे विल लूज इट ऑल, मतलब लूज कर लूज हो ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। बट प्रतीक का है कि नहीं लूज होता और वो सबसे ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन में भी पॉजिटिव ही रहता है और वो सब कुछ मैनेज कर लेता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ निशी। ऋषि बेटा, बहुत अच्छा आंसर, और बहुत एप्ट रीजन, मतलब एप्ट पॉइंट बताया। मैंने उसको सिर्फ ट्रेनिंग दे दी है गाइस, मेरे से वर्स्ट गुस्सा, मेरे से वर्स्ट प्रेशर सिचुएशन में कोई डालता ही नहीं है उसको, है ना? इसकी गलती थोड़ी है, तुम बुरा ना माना करो प्रतीक, पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ब्रो, विच वाज साइंड ऑफिशियली बिफोर द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। पापा का डायलॉग सुना, वृंदावन में रहना राधे राधे, सबको कहना बेटा इसमें मोनू भैया की आत्मा आ गई है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर आंसरिंग सम लवली क्वेश्चंस एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे प्रतीक, हैप्पी बर्थडे। Thank you, mommy. So
गाइस प्रदीप का बर्थडे तो एंड हो गया. इट वाज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग. बहुत एंजॉय किया. बहुत डिफरेंट बर्थडे था एंड बहुत मजा आया. एक होता है ना कि प्यार भरा सा दिल भर गया और अच्छा टाइम स्पेंड किया, रिलैक्सिंग डे था. तो यही को व्लॉग को एंड करते हैं एंड होपफुली आप लोग ने भी वीडियो एंजॉय किया. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू निशीष चैनल. प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब. और निशी से मैंने कहा है, निशी तुम जल्दी जल्दी वीडियो डालो और अच्छा अच्छा वीडियो कंटेंट लेके आओ. लोगों को तुम्हारे वीडियोस का वेट रहता है. बहुत स्लो करते हो बट जल्दी डालो वीडियो. ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट. बाय.